आप सभी का एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। मैं आप सभी को इस वीडियो में रियल रिसर्च एप्लीकेशन के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूं कि आप लोग रियल रिसर्च सर्वे ऐप से पैसा कैसे कमा सकते हैं। और अभी आप लोग रियल रिसर्च सर्वे ऐप का बात बहुत सुन रहे होंगे, चर्चा बहुत सुन रहे होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस एप्लीकेशन के बारे में मैं एक आपको डिटेल वीडियो बनाकर दूं, जिससे कि आप लोग इसमें सर्वे कंप्लीट करके पैसा कैसे अर्न कर सकते हैं। और साथ ही इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है, अगर आप लोग एक रेफर करते हैं तो लगभग आपको 125-30 रुपए के लगभग मिलता है। तो समझ सकते हैं कि अभी यहाँ पर रियल रिसर्च एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज करने में कितना ज़्यादा फायदा है। और इसमें आपको पैसे विड्रॉ करने का भी पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रियल रिसर्च एप्लीकेशन के बारे में इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के नीचे मिलेगा, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं यहाँ पर अमेजन डेली क्यूज के आंसर पोस्ट करते रहता हूँ। इसके लिए आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए अब आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरे वीडियो के नीचे में एक लिंक मिलेगा, आप लोग जैसे उस लिंक पर टैप करेंगे आप पहुँच जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर। यहाँ पर आपको रियल रिसर्च सर्वे ऐप दिखेगा, सिंपल आप लोग इसे डाउनलोड करके जब पहली बार ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। और मैंने भी इसके पहले रियल रिसर्च एप्लीकेशन में अकाउंट नहीं बनाया है, तो आप जो भी मैं करूँगा वो सब मैं आपके सामने लाइव करने वाला हूँ। तो आप अगर आप लोग पहली बार अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली आप लोग साइन अप के ऊपर टैप करेंगे। जैसे ही आप लोग साइन अप के ऊपर टैप करेंगे आपके सामने में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सिंपल आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, यहाँ पे आपको फिर से पासवर्ड डालना है। और पासवर्ड में आप लोग को यहाँ पर एक स्पेशल नंबर डालना है, आपको कुछ अंक डालना है, आपको कुछ कैपिटल लेटर डालना है, स्मॉल लेटर डालना है, तभी जाकर आपका यहाँ पर पासवर्ड लेगा। चलिए मैं इन सभी को फिल में कर देता हूँ। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सारा चीज़ को फिल कर दिया है। उसके बाद आपको सिंपल सबमिट वाले बटन के ऊपर टैप करना है। जैसे ही आप लोग सबमिट वाले बटन पे टैप करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का लोडिंग लेगा। और लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा वेरीफिकेशन कोड, तो आपके ई मेल आई डी पर एक यहाँ पर वेरीफिकेशन कोड आया होगा। तो चलिए मैं अपना ई मेल को चेक करता हूँ और मैं उस वेरिफिकेशन कोड को मैं एंटर करता हूं। जैसे मैं यहां पे ईमेल को चेक करूंगा और यहां पे आप लोग देख सकते हैं रियल रिसर्च की तरफ से एक मेरे ईमेल पे एक यहां पे ओटीपी आ चुका है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। चलिए मैं यहां पे सिंपली इस ओटीपी को यहां पे मैं कर लेता हूँ एंटर। और यहाँ पर मैं एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको फिंगर लॉक लगाने को बोला जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर फिंगर लॉक का आप लोग यूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे अपना यहाँ पे मैं ओटीपी को एंटर में कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे ओटीपी को एंटर किया, यहाँ पे सिंपली आपको प्रोसीड वाले बटन पे टैप करना। जैसे आप लोग प्रोसीड वाले बटन पे टैप करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले इंडिया को चूज कर लेना है, या नहीं तो आप लोग यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे इंडिया को सर्च किया तो यहाँ पे इंडिया आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना। चले मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एंटर कर लिया हूँ। और उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको सबमिट वाले बटन पे टैप करना है। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे टैप करूँगा आपके सामने यहाँ पे कुछ वेरीफिकेशन कोड जाएगा, तो सिंपली मैं यहाँ पे वेरीफिकेशन कोड को मैं एंटर कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे जैसे ही ओटीपी एंटर करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, रजिस्टर सक्सेसफुल। और एक बात मैं बता दूं कि जब आप लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो आप लोग वो वाला ही मोबाइल नंबर एंटर करें जो आपके मोबाइल में हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोग प्रोसीड टू लॉगिन के ऊपर टैप करेंगे। अब आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे पासवर्ड देके आपको लॉगिन करना होगा। आप लोग यहाँ पे जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको बोलेगा क्रिएट वॉलेट, तो सिंपली यहाँ पे उसके बाद करके यहाँ पे आपको पासकोड एंटर करना होगा। चले मैं यहाँ पे अपना पासकोड एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको दोबारा फिर पास सबमिट करना है, फिर आपको दोबारा से यहाँ पे आपको पासकोड एंटर करना होगा।
और उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको सबमिट कर देना है और आपका यहाँ पे वॉलेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली कुछ यहाँ पे करना होगा आपको यहाँ पे KYC। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग यहाँ पे KYC का मतलब समझ रहे हों कि आपको आधार कार्ड पैन कार्ड दे के यहाँ पे वेरिफिकेशन कराना होगा। तो मैं बता दूं कि इसमें आपको कोई भी आधार कार्ड पैन कार्ड का जरूरत नहीं है। यहाँ पे KYC का मतलब होता है कि आप अपने बारे में कुछ डिटेल दीजिए कि आप मेल हैं या फीमेल हैं या आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। और उसके बाद आप लोग नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप लोग वो वाला चूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को मैं यहाँ पे चूज कर लिया हूँ और उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कोई सा भी एक आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको नेशनलिटी और यहाँ पे आपको अपना इंडिया को चूज कर लेना है, मतलब आपके हिसाब से जो भी है आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश को चूज कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री में फिर से आपको यहाँ पे इंडिया आपको कर लेना है। यहाँ पे फिर से आपको प्रोसीड करना है। आपको यहाँ पे सिटी में आपको अपने राज्य का नाम मतलब आपको दे देना है, बिहार तो मैं दे देता हूँ। और सिंपली आपको फिर से कर लेना बिहार और यहाँ पे आपको बिहार सर्च कर लेना होगा जिसे मैंने यहाँ पे कर लिया बिहार। और यहाँ पे देखिए मैंने सारा चीज़ को फिल कर दिया और उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे प्रोसीड करेंगे आपके सामने में देखिए यहाँ पे दूसरा लेवल का यहाँ पे आपका KYC आपका ऑप्शन आ चुका है, KYC नंबर 2। तो यहाँ पे आपको सिंपली प्रोसीड का ऑप्शन रहेगा, सिंपली आपको प्रोसीड के ऊपर में टैप करना है। और यहाँ पे आपका देखिए एक लेवल का KYC कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पे टोटल 5 लेवल का KYC को कंप्लीट कर देना है। यानी KYC का मतलब आपको कुछ भी आपको एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ दूसरे लेवल KYC पे, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको कौन सा ऑप्शन पे आप टैप कर रहे हैं। आप सिंपल आपको यहाँ पे कोई सा भी एक ऑप्शन पे आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो समझ में आए आपको उसमें एस नो जो भी है आपको इसमें आपको सिंपली यहाँ पे आपको भर देना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखिए मेरा दूसरा लेवल का KYC कंप्लीट हो गया। फिर आपको यहाँ पे तीसरे लेवल पे जाना है और आपको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सा ऑप्शन भर रहे हैं। उसके आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको भर देना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ मैंने भर दिया, भरने के बाद मेरा देखिए लोडिंग ले रहा है और मेरा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तीसरे लेवल का KYC कंप्लीट हो गया। फिर से आपको क्या करना है कि चौथे लेवल का आपको KYC कंप्लीट करना है, यानी आपको 5 लेवल का KYC कंप्लीट करना है, तब जाकर आपको यहाँ पे ज़्यादा सर्वे मिलेगा और आपको उस सर्वे का आपको TNC क्वाइन मिलेगा जिसका वैल्यू भाई यहाँ पे 1 रुपये से ज़्यादा होता है। अपना अगर मैं इंडियन रुपीज में करूँगा कन्वर्ट तो 1 TNC का मतलब होता है यहाँ पे 2 रुपये के 2 रुपये से ज़्यादा भाई। तो आपको यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन को चूज कर लेना। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 5 लेवल का KYC को मैंने यहाँ पे कर दिया कंप्लीट। जैसा कि मैं आ चुका हूँ यहाँ पे रियल रिसर्च एप्लीकेशन के होम पेज पे और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 0 TNC क्वाइन है लेकिन यहाँ पे मुझे 2 मिला हुआ है सर्वे। तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्वे को स्टार्ट करता हूँ, मुझे यहाँ पे 6 TNC क्वाइन मिलेगा। सिंपली मैं करता हूँ यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर टैप और यहाँ पे आपको स्टार्ट सर्वे के ऊपर टैप करना है और आपको यहाँ पे कुछ भी आपको यहाँ पे भर देना है, एस नो भर देना है। उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या भरा है, आपको उससे सिर्फ मतलब है कि आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ और मेरे सामने कुछ इस प्रकार का कुछ मतलब ऐड आ चुका है। और यहाँ पे देखिए स्किप का ऑप्शन है लेकिन नीचे में देखिए यहाँ पे क्लेम रिवार्ड का ऑप्शन आ चुका है। और यहाँ पे आपको करना सिंपली गो टू वॉलेट और देखिए मेरा पे कहाँ बोल रहा है यहाँ पे आपको रेटिंग देने के लिए। चलिए मैं यहाँ पे बाद में रेटिंग दूंगा। उसके यहाँ पे गो टू वॉलेट के ऊपर क्लिक करते हैं और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे देखिए 6 TNC क्वाइन मिल चुका है। तो आप लोग को क्या करना है कि आपको इसी तरह से आपको सर्वे को कंप्लीट करना है। और मेरा पास देखिए एक और सर्वे है जिसमें मुझे 5 TNC क्वाइन मिलेगा। और अगर आप लोग TNC को मतलब इंडियन रुपीज में करेंगे कन्वर्ट तो 1 TNC का मतलब होता है भाई 2 रुपये से ज़्यादा। तो समझ सकते और आपको यहाँ पे रेफर का यहाँ पे भाई पैसा बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग आएंगे सिंपली 3 डॉट पे। अगर आप लोग जब 5 लेवल का KYC कंप्लीट करेंगे
तब जाकर आपको यहाँ पे रेफरल का ऑप्शन आएगा, जैसा कि आप लोग नीचे में मेरा देख सकते हैं। सिंपली आप लोग यहाँ पे रेफरल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग कॉपी और यहाँ पे आप लोग शेयर कर सकते हैं और आप लोग अपने दोस्त को आप लोग रेफर कर सकते हैं। आपको एक रेफर करने का भाई यहाँ पर 125 के लगभग आपको मिलेंगे पैसे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पे कितना ज़्यादा फायदा होगा। और मैं बता दूँ कि इसका यहाँ पे विड्रॉ करने का 0 यहाँ पे TNC है, लेकिन मैं बताऊँगा इसका पैसे को विड्रॉ करने का थोड़ा सा यहाँ पे लंबा प्रोसेस है। तो मैं इसके अगले वाले वीडियो में बताऊँगा कि आप लोग यहाँ पे रियल रिसर्च एप्लीकेशन से पैसे को अपने बैंक में कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आप लोग रियल रिसर्च एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, अकाउंट कैसे बना सकते हैं और आप लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं। इसमें आप लोग भाई डेली सर्वे को कंप्लीट करके भाई आप लोग अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। और अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया लिंक वीडियो के नीचे मिलेगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।